संस्कृति पर, वो हमारे धर्म पर, वो हमारे संस्कारों पर बहुत गहरा आघात करने का प्रयास कर रहा है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि ये जो इंडी अलायंस है, ये जो घमंडिया गठबंधन है, जो मुंबई में 3-4 दिन पहले एकत्र आए थे, इसका सबसे बड़ा घटक और सबसे मजबूत घटक डीएमके, जो तमिलनाडु के सरकार को मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वह उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। आप बताइए, ऐसे घमंडिया परिवारवादी इंडी अलायंस को रहने देने का अधिकार है क्या? रहने देने का अधिकार है क्या? क्या सनातन धर्म को हम समाप्त होने देंगे क्या? क्या हिंदू धर्म पर इस तरीके का आघात लगने देंगे क्या? ये मित्रों, और क्या कहता है उदयनिधि स्टालिन? कहता है कि एंटी सनातन नहीं, एबॉलिश सनातन, मतलब सनातन धर्म को जड़मूल से समाप्त कर दो। जिस प्रकार उदाहरण क्या देता है सुन लो, उदाहरण देता है कि जैसे मच्छर, जैसे मलेरिया, जैसे डेंगू, जैसे कोरोना, इसको हम समाप्त करते हैं, वैसे ही सनातन धर्म को समाप्त कर दो। ये है परिवारवादी घमंडिया गठबंधन का घमंड, और वो इस तरीके की बेतुकी बातें कहने में कोई गुरेज नहीं करते। आप बोलिए, उदयनिधि स्टालिन ने जो ये बात कही है, ये कब कही? ये तब कही जब 3 दिन पहले मुंबई में बैठकर ये गलबाइयां करके अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे। क्या यही रणनीति तैयार हुई है? क्या इंडी अलायंस का, क्या घमंडिया गठबंधन का ये सोचा समझा राजनीतिक रणनीति है क्या कि सनातन धर्म को समाप्त करो, हिंदू धर्म को समाप्त करो? और मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि राहुल गांधी, ये जो आपने मोहब्बत की दुकान चलाई, ये मोहब्बत की दुकान में हिंदू धर्म और सनातन के नफरत का सामान कहां बिक रहा है? ये नफरत का सामान कैसे बिक रहा है? और ये हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी जहर आप जो वहां पर पैदा कर रहे हैं, यही क्या आपकी मोहब्बत की दुकान है?